हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है षटक्रिया काल। तो सबसे पहले षटक्रिया काल क्या होता है ये जानते हैं और उसके बाद फिर उसको डिटेल में देखेंगे। षटक्रिया काल में को अगर उसको तोड़ते हैं तो दो चीज़ें आती है। षटक्रिया काल, षट का मतलब होता है छः और क्रिया काल की मतलब ऐसी क्रिया है जो घटित होने की वजह से हेतु सेवन से लेकर व्याधि उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ये जहाँ पे बताया गया है उसको कहते हैं षटक्रिया काल। तो हेतु सेवन लेने के बाद यानी जो शरीर में व्याधि की उत्पत्ति करते हैं ऐसा आहार विहार लेने के पश्चात तो वो व्याधि उत्पत्ति तक किस प्रकार से जाते हैं ये इसमें बताया गया है। ये जो प्रोसेस है षटक्रिया काल की, ये सुश्रुत संहिता ने सबसे पहले बताई गई है और डिटेल में बताई है। बाकी संहिताओं में उसका उतना उल्लेख नहीं है। ओके, तो ये स्पेशलिटी कह सकते हैं षटक्रिया काल की। और ये षटक्रिया काल और ये आपका एमसीक्यू का भी पॉइंट है कि षटक्रिया काल का वर्णन किस संहिता में आया, तो सुश्रुत संहिता। अब हम इसके अंतर्गत देखेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान और सुश्रुत संहिता के अनुसार। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के इसलिए श्लोक हम ले रहे हैं क्योंकि उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो वृद्धि प्रकोप और प्रशम होता है ऋतु के अनुसार उसका जो प्रॉपर वर्णन है वो प्रॉपर वर्णन हमें अष्टांग हृदय के अंतर्गत प्रॉपरली मिलता है। तो इसीलिए हम उसके अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के कुछ श्लोक का भी अध्ययन यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोष धातु मलों की वृद्धि एवं क्षय। दोष धातु मल की वृद्धि एवं क्षय ये हेडिंग है। अब आपने दोषों की वृद्धि और क्षय तो देख चुके हैं जब हमने दोषों का अध्ययन किया, लेकिन सभी धातु और मलों के क्षय और वृद्धि का हमारा अध्ययन नहीं हुआ। लेकिन इसके संबंध में एक श्लोक आया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/14। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के पहले अध्याय का 14वां श्लोक है। इसमें कहा गया है वृद्धि समाने सर्वेशा विपरीत तेर विपर्य। इसका मतलब ये होता है कि शरीर से संबंधित उक्त वात आदि दोषों रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुणधर्म वाले पदार्थ का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है और उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से उसका क्षय होता है। तो काफ़ी सरल इसका अर्थ है कि अगर हमने किसी दोष को बढ़ाने वाले रस उस प्रकार के गुण युक्त आहार का सेवन किया फिर वो दोष हो धातु या मल हो अगर उसके समान गुण के रहे अगर समान रस के रहे तो उस दोष की धातु की या मल की शरीर में वृद्धि होगी। अगर हम उसके विपरीत गुण की चीज़ों का सेवन करते हैं तो उसका क्षय होगा। ओके, तो जो सिद्धांत हमने देखे थे सबसे स्टार्टिंग में क्रिया शरीर में, तो सिद्धांतों में हमने देखा था कि ऋतुओं के अनुसार किसी न किसी दोष की वृद्धि होती है, प्रकोप होता है और प्रशम होता है। अगर डायरेक्टली देखा जाएगा तो जो ग्रीष्मकाल होता है ग्रीष्मकाल में वात दोष की वृद्धि होती है, उसके बाद फिर वर्षा में उसका प्रकोप होता है और शरद में उसका प्रशम होता है। अगर हम पित्त को देखते हैं तो पित्त का जो प्रकोप होता है पित्त का जो संचय होता है वो वर्षा में होता है, उसके बाद शरद में उसका प्रकोप होता है और उसके बाद हेमंत में उसका प्रशम होता है। जबकि अगर हम कफ के बारे में देखेंगे तो कफ की वृद्धि हेमंत और शिशिर मुख्यतः शिशिर ऋतु में होती है और उसके बाद वसंत ऋतु में उसका प्रकोप होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसका प्रशम होता है। तो ये जो प्रक्रिया चलती है वृद्धि प्रकोप प्रशमन, ये वृद्धि प्रकोप प्रशमन की क्रिया नेचुरल होती है, दैट इज़ नॉट अ डिजीज़।
दैट इज़ द ओनली स्टार्टअप ऑफ डिजीज़। तो ये नेचुरल होता ही है, हर व्यक्ति में होगा, और उसी के लिए सभी संहिताओं में दिनचर्या और ऋतुचर्या बताई गई है। ऋतु के अनुसार हमने कौन से आहार विहार करना चाहिए, किस ऋतु में किस प्रकार की चीज़ें लेनी चाहिए, इसके बारे में वर्णन इसीलिए दिया गया है ताकि इसका जो संचय प्रकोप होने के बाद व्याधियों की तरफ ये ना जाए, उसका प्रशम हो जाए, इसके लिए दिनचर्या ऋतुचर्या का वर्णन आया है। यानी आयुर्वेद का जो मुख्य सिद्धांत है स्वस्थ स्वस्थ रक्षणम, तो ये पहला सिद्धांत जो सिद्ध करने के लिए हम इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। दिनचर्या ऋतुचर्या का अगर पालन किया जाएगा तो व्याधि की उत्पत्ति नहीं होगी। जब संचय प्रकोप के बाद प्रशमन नहीं होता है बल्कि वो व्याधि आगे उत्पत्ति की तरफ जाती है संचय और प्रकोप के बाद, तब षटक्रिया काल कह सकते हैं। क्योंकि संचय और प्रकोप ये दो जो स्टेप्स है वो तो षटक्रिया काल में भी है, लेकिन प्रशम नहीं होता, उसके बाद प्रसर होता है। ओके, तो इसीलिए वो आगे जाके 6 स्टेजेस में व्याधि उत्पत्ति तक जाता है। तो हमें अभी वही देखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा व्याधि निर्मिति की 6 अवस्थाएं। ओके, मतलब व्याधि निर्मिति की जो होती है वो 6 अवस्थाओं में किस प्रकार से होती है वो, और वो ये षटक्रियाकाल। अब दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक जो आप षटक्रियाकाल के बारे में भी लिख सकते हैं, और षटक्रियाकाल में से किसी भी प्रकार का अगर आता है, 6 में से कोई भी स्टेज अगर आपको लिखने के लिए पेपर में आती है तो आपको ये श्लोक वहाँ पे महत्वपूर्ण होगा। और एक श्लोक में ही सभी 6 के 6 स्टेप्स यहाँ पे आई है। उस श्लोक का रेफरेंस है सुश्रुत सूत्रस्थान 21/36, सुश्रुत सूत्रस्थान 21 अध्याय का 36वां श्लोक। तो ये श्लोक इस प्रकार है कि संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्त भेदम च यो वेत्ति दोषानाम स भवेद विषकः। इसमें कहा गया है कि वातादि दोषों का संचय, उसके बाद प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद, ये 6 स्टेप्स है जिससे व्याधि उत्पत्ति होती है। ओके, को जो जानता है वही यथार्थ वैद्य होता है। इनका कहना है षटक्रियाकाल को जो जानता है वही यथार्थ योग्य वैद्य होता है। ओके, तो ये 6 स्टेप्स है, संचय, प्रकोप, प्रसम, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। तो हम एक एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे। संचय जो स्टेप है वो थोड़ी लॉन्ग है, उस कंपैरिजन में उसके बाद की जो स्टेप्स है वो शॉर्ट है। तो संचय हम सबसे पहले देखते हैं। संचय नॉर्मली आपको पता है क्योंकि अष्टांग में आपका और सिद्धांतों में, क्रिया के सिद्धांतों में भी संचय ये चीज़ हो चुकी है। तो संचय अवस्था प्रथम अवस्था काल, इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/22 and 23। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12वें अध्याय का 22 और 23 का श्लोक। तो आपको होगी कि सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है तो अष्टांग क्यों, तो मैंने पहले भी कहा है कि संचय, प्रकोप, प्रसम ये सभी संहिता में बताया गया है और इसका सुयोग्य वर्णन जो है वो अष्टांग हृदय मिलता है। इसीलिए ये जो स्टेप्स है जैसे संचय हो गया, प्रकोप, ये संहिताओं में से देखेंगे, जबकि बाकी की बात की जो स्टेप्स है वो सुश्रुत संहिताओं में से ही मुख्यतः रहेगी। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि चयोरुद्धिः स्वधातुव प्रद्वेषो रुद्धि हेतुषु विपरीत गुणेच्छा च। इस श्लोक में कहा गया है कि वातादि दोषों की रुद्धि अपने स्थानों में होती है, उसे आयुर्वेदीय परिभाषा के अनुसार चय या संचय कहा जाता है।
ओके, तो वादादि जो दोष होते हैं, वादादि दोषों के अंतर्गत फिर दोष भी आ जाएंगे, धातु भी आ जाएंगे और मल भी आ जाएगा। वात आदि, वात आदि के अंतर्गत फिर दोष धातु मल, सभी के सभी दोष धातु मल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो वातादि दोषों की वृद्धि अपने स्थानों में होती है, ओके, तो अपने स्थानों में उनकी वृद्धि होती है, उससे आयुर्वेद के अनुसार संचय कहते हैं या फिर चय कहते हैं, चय अवस्था, ओके, तो इस अवस्था को चय अवस्था भी कह सकते हैं या कहते हैं। इस स्थिति में जिन कारणों से उक्त दोषों की वृद्धि हुई है उन कारणों के प्रति विशेष करके द्वेष हो जाता है और उक्त कारणों के विपरीत कारणों के प्रति इच्छा अर्थात उनके सेवन करने के प्रति रुचि बलवती होती है। तो इसमें ये कहा गया है कि चय अवस्था में जो भी कारण होते हैं, जो चय वातादि का चय करते हैं, संचय करते हैं, उस दोषों के प्रति विशेषकर द्वेष उत्पन्न हो जाता है या फिर वो चीज़ें न खाने की इच्छा होती, जबकि उसके विरोधी गुण जो होती है, उसके विरोधी गुण की जो चीज़ें होती है उसके सेवन करने के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। ओके, तो इसका एक बहुत एग्जाम्पल हमने रक्त धातु का जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि रक्त धातु जो होता है उसके क्षय में अम्ल शिशिर प्रीति होती है। अम्ल शिशिर प्रीति मतलब ठंडा, और शिशिर जो होता है यानी ठंडा शिशिर, और जो अम्ल गुणात्मक होता है, अम्ल रस का होता है, उस रस की इच्छा होती है। इसलिए होती है क्योंकि अम्ल और ठंड आहार सेवन के कारण शरीर में रक्त की वृद्धि होती है। रक्त का क्षय हुआ है, उसको बढ़ाने के लिए बॉडी की अपने आप टेंडेंसी होती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे मट्टी खाते हैं, मट्टी इसलिए नहीं खाते कि उनको मट्टी अच्छी लगती है, उनके शरीर में मिनरल्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, इसीलिए उनको मट्टी खाने की इच्छा होती है। बॉडी की नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ उसके शरीर में कम होती है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर अगर कोई चीज़ उसके शरीर में बढ़ जाती है तो वो उसका सेवन नहीं करता, उसके प्रति द्वेष निर्माण हो जाता है। तो यही बताया गया है कि जो चीज़ का आपके शरीर में संचय हो गया, वो ज़्यादा मात्रा में अगर आपके शरीर में हो जाती है तो उसके प्रति विशेषकर द्वेष उत्पन्न होता है और उसके विपरीत आहार या विहार करने की जो इच्छा होती है, रुचि होती है, वो शरीर में निर्माण होती है। ओके, तो चय अवस्था स्पष्ट करने वाली तालिका, तो हम एक चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि चय अवस्था का चार्ट देखते हैं। तो आप पेज में तीन पार्टीशन कर लीजिए पेज के, पहले कॉलम में लिखिए चय, दूसरे कॉलम में लिखिए चय स्थान, और तीसरे कॉलम में लिखिए विपरीत गुणेच्छा। विपरीत गुणेच्छा, विपरीत गुणेच्छा यानी विपरीत गुण सेवन करने की इच्छा होना, इसीलिए विपरीत गुणेच्छा। तो सबसे पहला दोष आएगा वात, और उसका चय स्थान रहेगा पक्वाशय, क्योंकि पक्वाशय ये वात दोष का प्रमुख स्थान होता है। और उत्पन्न होने वाली विपरीत गुणेच्छा मतलब शरीर में जब वात वृद्धि हो जाती है तो किस प्रकार के गुण लेने की शरीर की टेंडेंसी होती है, तो कफज आहार लेने की इसके अंदर टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि कफ जो होता है वो वात के विपरीत होता है। तो इसमें विपरीत गुणेच्छा होती है उष्ण स्निग्ध मधुर रस की इच्छा, जो उष्ण होता है क्योंकि शीत गुण हमें कफ में भी मिलता है और वात में भी मिलता है, लेकिन कफ के शीत में और वात के शीत में सिर्फ जो रुक्षता होती है और स्निग्धता होती है यही परिणाम होता है। तो इसीलिए उष्ण गुण की इच्छा होगी, उष्ण स्निग्ध मधुर रस की इच्छा होगी। जबकि दूसरा जो दोष होता है चय अवस्था में आएगा पित्त, और उसके बाद उसका जो चय स्थान रहेगा वो रहेगा ग्रहणी, और विपरीत गुण की इच्छा के अंतर्गत आएगा मधुर शीत गुणात्मक आहार की इच्छा। तो
यहाँ पे मधुर और शीत गुणात्मक आहार की इच्छा होगी, वात में भी मधुर आया और पित्त में मधुर आया, क्योंकि मधुर जो होता है वो वात और पित्त को कम करता है, इसीलिए मधुर शीत गुणात्मक आहार की इच्छा। लास्ट में तीसरा दोष आएगा कफ, जिसका चय स्थान होता है आमाशय। ऊर प्रदेश में ये भले ही रहता है और इसका मुख्य स्थान होता है, लेकिन चय अवस्था जो होती है वो उसकी आमाशय में होती है, तो चय अवस्था में आमाशय में रहने वाला जो कफ दोष है वो होता है क्लेदक कफ। ओके, तो वो उसकी वृद्धि होने के कारण वहाँ पे चय अवस्था होती है और विपरीत गुण की इच्छा होगी, लंघन करने की इच्छा होना, लंघन करने की इच्छा होना यानी आहार न सेवन करने की इच्छा होगी, क्योंकि क्लेदक कफ जब आमाशय में उसकी वृद्धि हो जाती है तो उसमें आमाशय के अधोभाग में जो पित्त होता है उसको भी वो ठंडा कर देगा और किसी भी प्रकार के आहार को पाचन करने की आमाशय की टेंडेंसी ना रहने के कारण वहाँ पे मंदाग्नि हो जाएगी। हमने कफ वृद्धि में पढ़ा था अग्नि सदन मंदाग्नि उत्पन्न हो जाती है, वो इसी कारण हो जाती है क्योंकि वहाँ पे चय होता है, वहाँ पे कफ की वृद्धि हो जाती है और इसीलिए लंघन करने की इच्छा होती है। तो लंघन करेंगे तो क्या होगा, लंघन करेंगे तो जितना भी वहाँ पे क्लेद होता है, नया आहार तो नहीं आएगा, उसका पाचन बची हुई अग्नि के द्वारा कर लिया जाता है, इसीलिए लंघन ये उसकी चिकित्सा हो गई। इसीलिए बॉडी की नॉर्मल टेंडेंसी वहाँ पे होती है, लंघन करने की इच्छा होती है। तो यहाँ पे हमने जो कुछ भी विपरीत गुण इच्छा देखे वो सभी नहीं देखे, यहाँ पे हमने जो भी देखे वो ओनली एग्जाम्पल्स है, इस प्रकार की गुणों की विपरीत गुण की इच्छा होती है, उसके साथ बहुत कुछ आएंगे, यहाँ पे ओनली वो एग्जाम्पल के लिए बताया गया। अब चय अवस्था के लक्षण, अब चय अवस्था होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, तो सुश्रुत संहिता में इसका काफ़ी लंबा और मार्मिक सवर्णन दिया है, तो इसमें उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्रस्थान 21/18, सुश्रुत सूत्रस्थान की 21वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसमें उन्होंने कहा है कि एतानि खलु दोष स्थानानि येषु संचयन्ते दोषः प्राकः संचय हेतु रुक्तः तंत्रम संचितानां खलु दोषानां स्तब्धपूर्ण कोष्ठता पित्तावभासता मंदोष्मता च अंगानां गौरवम आलस्यम चय कारणम विद्युश्चेति लिंगानि भवन्ति तत्र प्रथम क्रियाकालः। ओके, इसमें इस प्रकार का वर्णन दिया गया है, तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से पूर्वोक्त दोषों के स्थान है। तो इसके पहले हमने देखे कि आपने सभी दोषों के स्थान देख चुके हैं। ओके, तो कौन से स्थान में किस कौन सा दोष रहता है, कहाँ पे प्रधानता से रहता है, कहाँ से प्रधानता से नहीं रहता है, अधम मात्रा में रहता है, ये हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से पूर्वोक्त दोषों के स्थान देख लिए हमने, इनमें दोषों का संचय होता है, तो उसके प्रधान स्थान में उसका संचय होता है। दोषों का संचय का कारण पूर्व ही में ऋतुचर्या अध्याय में कह आए हैं, तो इनका कहना है वो संचय किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, इसका वर्णन ऋतुचर्या में आ चुका है। तो ऋतुचर्या में हमने वृद्धि प्रकोप और प्रश्न पढ़ा था, तो ऋतु के अनुसार उस प्रकार की वातावरण में रसों की उत्पत्ति होने के कारण, उस प्रकार के रसों का ग्रहण करने के कारण उसके स्पेसिफिक स्थान में, दोषों के स्पेसिफिक स्थान में उसके उसकी वृद्धि होती है, योग्य मात्रा से ज़्यादा होती है और वो संचय अवस्था होती है। तो यहाँ पे वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ तीनों दोषों के हम चय के लक्षण देखेंगे। तो सबसे पहले वात चय के लक्षण इसी श्लोक में बताए गए, वात दोष का चय पक्वाशय में होता है। ओके, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता यह लक्षण दिखता है, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता यानी एब्डोमिनल बल्जिंग, स्तब्ध का मतलब होता है रुकना, पूर्ण का मतलब होता है संपूर्ण और कोष्ठता, जब कोष्ठ होता है, कोष्ठ आपको पता है जो अगर हम डिवीजन करते हैं बॉडी का लिम्ब्स को छोड़ के, तो तीन चीज़ों में डिवीजन होता है, हेड नेक एंड ट्रंक। तो जो ट्रंक का पोर्शन होता है फ्रॉम नेक से लेकर तो ग्रोइंग पार्ट तक,
लिम को छोड़ के, तो दैट इज अ ट्रंक, और उसी को हम कहते हैं कोष्ठ। तो वाद दोष का चय पक्वाशय में जब होता है तो शब्द पूर्ण कोष्ठता होती है, इसका मतलब इस कोष्ठ में वात भर जाता है और वात भरने के कारण वहाँ पे स्तब्धता आ जाती है, संपूर्णता आ जाती है, फूले समान लगता है, भरे समान लगता है। ये लक्षण हो जाता है जब शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि संचरण स्थान जो होता है वात का, वो संचरण क्षेत्र उसका संपूर्ण शरीर होता है, लेकिन उसके जमा होने के लिए कहीं पे शरीर में जगह नहीं है उतनी जितनी ट्रंक रीजन में होती है, क्योंकि ट्रंक रीजन में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर वैक्यूम होती है, जैसे वहाँ पे हार्ट्स है, लंग है, उसके बाद स्टमक है, ओके, स्प्लीन है, ग्रहणी है यानी इंटेस्टाइन है। तो ये जितने भी पार्ट है, दैट इज़ फ्रॉम इंटरनल देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस होता है, तो वात इन स्थानों में आके जमा हो जाता है, और जमा होने के कारण शब्दपूर्ण कुष्ठता होती है, यानी भरे समान लगता है, बल्जिंग हो जाती है, ओके। जैसे हम एब्डोमिनल बल्जिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कह सकते हैं। पक्वाशय में वायु जमा होकर पेट फूलना व आंतों की हलचल न होने से रुग्ण अस्वस्थ लगता है। तो इसमें पक्वाशय जो होता है उसमें वायु जमा होता है, और जमा होने इसको फ्लैचुलेंस कहते हैं, यानी जो गैसेस क्रिएट होती है। तो पक्वाशय में गैसेस जो होती है वात की वृद्धि के कारण होती है, या वहाँ का जो इकोला की कॉलोनीज होती है उसमें ज़्यादा मात्रा में उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद जो गैसेस क्रिएट हो जाती है वो ज़्यादा होने की वजह से होता है। तो जो भी कारण होते हैं चय के, वो यहाँ पे उपलक्षित हमें है। और जब शरीर में पित्त का चय होता है तो वायु पक्वाशय में पूरित हो जाता है, जब वो पक्वाशय पूरी तरीके से भर जाता है तो एक तो गैसेस पास होगी, और वो गैस अगर ऊपर गई तो उसके अबो के जो पार्ट है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इसमें भी वायु पूरित हो जाएगा और वो बल्ज हो जाएगा, ओके। तो पक्वाशय में वायु जमा होकर पेट फूलता है, आंतों की हलचल न होने से रुग्ण अस्वस्थ, और उसके बाद उसकी जो मूवमेंट होनी चाहिए, आपको पता है कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंतर्गत वेलाइज होती है, और जो फूड मटेरियल होता है उसको पास करने के लिए उसमें एक प्रकार की प्रोसेसिंग चलती रहती है, ओके। और उसके बाद जो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो कोलॉन्स होते हैं, उसमें हॉस्ट्रेशन की प्रोसेस रहती है ताकि जो भी उसके अंतर्गत होता है वो आगे आगे चला जाए। तो ये उसकी प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस, ये हलचल उसकी नहीं हो पाती है, और वो ना होने के कारण जो प्रोसेस होनी चाहिए आहार के पाचन की होनी चाहिए, मल की निर्मित की होनी चाहिए, वो वहाँ पर नहीं हो पाती है, इसीलिए रुग्ण अस्वस्थ होता है, वो बेटर फील नहीं करता है। तो ये वातचय का लक्षण होगा। उसके बाद हम देखते हैं पित्तचय के लक्षण, पित्तचय में क्या होता है। तो पित्त दोष का ग्रहणी में चय होने के कारण पित्तावभासता, यह लक्षण दिखाई देता है। तो पित्त दोष में उसका चय होगा तो ग्रहणी में होगा, उसका प्रमुख स्थान है, और वहाँ पे जो लक्षण उत्पन्न होता है वो होता है पित्तावभासता। पित्तावभासता का मतलब क्या होता है, तो पित्तावभासता का मतलब होता है कि जो त्वचा होती है, नाखून होते हैं, नेत्र, मूत्र, पुरीष, इसमें पीलापन प्राप्त हो जाता है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, नेल्स, आई, यूरिन एसेट्रा। अब ये लक्षण कहाँ पर मिलता है, अगर व्याधि के अंतर्गत देखा जाएगा तो जॉन्डिस जो होता है, फिर कामला जो होती है उसमें हमें ये लक्षण मिलता है, ओके। तो यहाँ पे पित्त की वृद्धि होती है, इसका मतलब कामला ही होती है, ऐसा नहीं होता है। जब भी पित्त की चय अवस्था होती है और ये बढ़ जाती है तो इस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो ये पित्त के चय में होता है। उसके बाद लास्ट जो है वो कफ चय के लक्षण। तो कफ चय में ये होता है कि इसमें मंदोष्मता यानी अग्निसदन, अग्निमाद्य हो जाता है, ओके। तो ये मंदोष्मता की होती है, तो अग्निमाद्य तथा शीत गुण की वृद्धि के कारण ठंडा लगना। तो इसमें क्या होता है, मंदोष्मता होती है, मंद
उष्णता, अगर तोड़ेंगे तो मंद उष्णता, तो शरीर में शीत होती है। ये शीत क्यों हो जाती है? क्योंकि अग्नि माध्य हो जाती है, शरीर की अग्नि माध्य होने के कारण शरीर में शीतगन की वृद्धि होती है, और शीतगन की वृद्धि के कारण ठंड लगती है, और उसके कारण मंदोष्मता, ये लक्षण कफजय में उत्पन्न होता है। उसके साथ साथ अंग गौरव होता है। गौरव क्या होता है इसके पहले हम देख चुके हैं, वो आलस्य यह लक्षण दिखाई देते, तम बढ़ेगा, तो इसलिए आलस्य ये लक्षण भी उत्पन्न होगा। तो ये कफजय के कारण होने वाले लक्षण होते हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चय जो हमने अभी देखे है, तो उसको एक तालिका में लिख लेते हैं। तो दोषों का चय स्थान व लक्षण दर्शाने वाली तालिका, आप हेडिंग लिखिए दोषों का चय स्थान व लक्षण दर्शाने वाली तालिका, और उसमें पेज की तीन कॉलम कीजिए। फिर से पहले में लिखिए चय, दूसरे में लिखिए चय स्थान, पहले जैसा ही है चय और चय स्थान, और यहाँ पर तीसरी बात है चय लक्षण, यानी चय होने के बाद हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो। तो सबसे पहला दोष है वात, उसका स्थान होता है पक्वाशय, और चय लक्षण में होता है स्तब्ध पूर्ण कुष्ठता, ये उसका मुख्य लक्षण है स्तब्ध पूर्ण कुष्ठता। दूसरा दोष होता है पित्त, चय स्थान है उसका ग्रहणी, और चय लक्षण में आता है पित्तावभासता, पित्तावभासता, ओके। तीसरा जो दोष है वो है कफ, चय स्थान है उसका आमाशय, और चय लक्षण उत्पन्न होते हैं मंद उष्णता, गौरव और आलस्य, मंद उष्णता, गौरव और आलस्य। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये चय लक्षण जो है वो आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं कि किस दोष के वृद्धि होने के कारण किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसके पहले जो हमने तालिका देखी थी उसमें चय चय स्थान और उसकी विपरीत गुणेच्छा देखी थी, इसमें उसके साथ साथ चय लक्षण देखे, तो आप उसी तालिका में लास्ट में चय लक्षण लिख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं संचय अवस्था का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है, संचय अवस्था का इम्पोर्टेंस क्या है। तो संचय अवस्था का जो महत्व का जो श्लोक है वो है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13/15। इसमें कहा गया है कि चय एव जयेद दोषम --, चय एवं जयेद दोषम, मतलब क्या होता है इसका मीनिंग, शॉर्ट एंड स्वीट इसका डिस्क्रिप्शन है। चय अवस्था में ही दोषों को जीतना चाहिए, यानी चय अवस्था पहचान कर दोषों की चिकित्सा चय अवस्था में ही करनी चाहिए, कारण चय अवस्था में दोष विकृति अति सौम्य होती है। यहाँ पे ये बताया गया है चय एवज जयेद दोषम, मतलब चय में ही दोषों को जीतना चाहिए, यानी चय अवस्था होती है तभी अगर हमने दोषों को हर लिया तो उसकी चिकित्सा करना आसान होता है। दोष जो होते हैं वो अपने स्थान में होते हैं, वो किसी इतर स्थान पे जाते नहीं हैं, वो किसी धातु में सम्मिलित नहीं होते, वो किसी मल में मिश्रित नहीं होते हैं, वो अपने उसकी वृद्धि होती है, उसकी वृद्धि अपने स्थान में ही होती है। तो जो लक्षण होते हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उसी के स्थान में दिखाई ही देते हैं, और इसी ये जो होते हैं ये कालानुरूप होते हैं, चय स्थान चय काल में ही होगी, और इसी वक्त अगर हमने उसको योग्य तरीके से पहचान कर अगर हमने उसकी चिकित्सा कर ली तो वो चिकित्सा जो होती है वो फलदायी ठहरती है। कम मेडिसिन में ही फलदायी ठहरेंगी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा दोष बड़े नहीं हैं, और दोष विकृति जो होती है वो अति सौम्य होती है, इसका मतलब दोष बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े नहीं होते, विकृति ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, तो उसको जो हरना होता है उस दोष को वो हमें नलीफाई करना है, उस दोष को उस मैनिपुलेट करके उसके प्रॉपर स्थान पे लाना जो होता है, ये जो प्रोसेस होती है इसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा मोर पावरफुल ड्रग्स लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे अगर निदान परिवर्जन ही किया जाए, यानी उसकी विपरीत गुणों का ही आहार दिया जाए, विहार दिया जाए, तो हम इस अवस्था को जीत सकते हैं। इसलिए चिकित्सक ने दोषों की चय अवस्था पहचानना महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो चय अवस्था होती है वो पता चाहिए वैद्य को। चय अवस्था में चिकित्सा करने से दोषों को प्रसर अवस्था प्राप्त नहीं होती है व रोगों का प्रसार को प्रतिबंध
होता है। तो क्या होता है, क्षय अवस्था में अगर हम चिकित्सा करते हैं तो उसके बाद की जो अवस्था होती है प्रसर अवस्था, प्रसर अवस्था में हो जाता नहीं है और रोगों का प्रसार जो होता है नेक्स्ट जगह पे उसका जो जाना होता है उसके लिए प्रतिबंधित होता है, उसके लिए प्रतिबंधित होता है। तो ये संचय अवस्था का महत्व है। ओके, संचय अवस्था का महत्व है। अब इसके बाद का जो बताया गया है, जो स्टेज बताई गई है दूसरी, वो है प्रकोप, संचय के बाद प्रकोप। तो प्रकोप के लक्षण, प्रकोप के जो लक्षण हैं उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 21:27, सुश्रुत सूत्र स्थान के 21वें अध्याय का 27वां श्लोक। तेषां प्रकोपात कोष्ठ तूद संचरण अम्लिका पिपासा परिदाह द्वेष हृदय उत्क्लेदाश्च जायन्ते तत्र द्वितीय क्रियाकालः। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें बताया गया है वात प्रकोपक लक्षण, वात प्रकोपक लक्षण इन्होंने मुख्यतः से यहाँ पे बताए हैं पहले। तो तीनों दोष के वैसे लक्षण है, ये जब द्वितीय अवस्था में जाता है तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले उन्होंने वात प्रकोप लक्षण का बताया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कोष्ठ तोद, तोद का मतलब आपको पता है दर्द होना, कोष्ठ, कोष्ठ प्रदेश में जब तोद होता है उसको कहते हैं कोष्ठ तोद, पेट दुखना, दर्द करना। वातादि दोष के कारण पक्वाशय भर जाने से पेट में सुई चुभने से दर्द होता है। ओके, तो स्तब्ध पूर्ण कुष्ठता, ये उस चय का लक्षण हमने देखा था वात की। और उसके बाद यहाँ भी क्या होता है, पक्वाशय भर जाता है वात के कारण। तो वात दोष के कारण जब पक्वाशय भर जाता है तो पेट में हमें तूदवत वेदना होती है, यानी सुई चुभने से वेदना होती है। ओके, और सुई चुभने ऐसा दर्द हमें फील होता है अगर वात प्रकोपक लक्षण होते हैं तो। और वहाँ पे दूसरा लक्षण उत्पन्न होता है वात संचरण, वात का संचरण यानी वात का घूमना। तो वातादि दोष के चल गुण की वृद्धि के कारण शरीर में भ्रमण होता है, उस कारण पक्वाशय में प्रकोपित वायु का संचार आमाशय व ग्रहणी में होता है। तो अब ये जो होता है पक्वाशय जो होता है ये उसका स्थान है वात का, लेकिन प्रकोप अवस्था में क्या होता है वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थानों में चला जाता है। ओके, प्रकोप में ही होता है कि वो जो होता है वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में चला जाता है। तो जब वात प्रकोप अवस्था में जाता है तो उसके अंतर्गत के चल गुण की वृद्धि के कारण वो शरीर में भ्रमित होता है, और भ्रमित होने के कारण उसको कहाँ जगह मिलती है, वैक्यूम कहाँ पे मिलती है, तो पक्वाशय इससे बाहर निकल के उसको आमाशय ग्रहणी में जगह मिलती है, उसके ऊपर ही है और वहाँ उसको जगह मिलती है और वहाँ पे वो भ्रमित होता है। ओके, तो वहाँ पे वो संचरित होने लगता है, तो फिर डकारे आना, पेट में दर्द होना, ये लक्षण और बढ़ जाते हैं। ओके, तो वात प्रकोप के लक्षण है। उसके बाद पित्त प्रकोप के लक्षण जो इसी श्लोक में बताया गया है, उसमें सबसे पहला बताया गया है अम्लिका, अम्लिका का मतलब होता है खट्टी डकारे आना। तो यहाँ पे पित्त है, पित्त अपने स्थान में बढ़ेगा, ग्रहणी में बढ़ेगा, ग्रहणी में अगर वो योग्य मात्रा में रहेगा तो उसके पाचन का कार्य करेगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा मात्रा में निर्मित हो जाता है तो वो अपने स्थान को छोड़ के प्रकोप अवस्था में बाहर जाता है और वो अपर वे में जब आएगा तो खट्टी डकारे आएगी। पिपासा होती है लगातार प्यास लगना, तो क्या होती है प्यास की जो होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो पित्त है उसका प्रमाण बढ़ गया है, पित्त शरीर में उष्मा क्रिएट करेगा, उष्मा बढ़ने के कारण प्यास लगेगी। उसके बाद परिदाह, परिदाह का मतलब होता है हाथ पाँव को तथा नेत्रों में जलन होना, आमाशय में जलन होना। तो ये जो पित्त होता है जब अपने स्थान में रहता है अपना कार्य करेगा, संचय में बढ़ेगा तो अपने ही स्थान में बढ़ेगा, लेकिन प्रकोप अवस्था में अपना स्थान छोड़ के ये बाहर चला जाता है। जब ये बाहर चला जाता है रक्त में सम्मिलित होकर वो शरीर में भ्रमित होता है, तो शरीर में भ्रमित होगा तो नेत्रों की जगह एक पित्त होता है जो आपको पता है आलोचक पित्त होता है, तो नेत्रों पर जगह पर हो जाएगा,
वहाँ जलन उत्पन्न करेगा, वहाँ के आलोचक को विकृत करेगा, हाथ पाँव में भी जलन जाएगा, ब्लड के साथ वो शरीर में जाएगा तो हाथ पाँव में जलन होगी, तो शरीर में वो भ्रमित होने के कारण जलन उत्पन्ति होगी। आमाशय में मुख्यतः से बताया गया है क्योंकि आमाशय का जो अधोभाग होता है वो पित्त का स्थान कहा गया है चक्रपाणी के अनुसार, हमने देखा था, तो वहाँ पे भी उसकी वृद्धि होगी। तो जलन जो होती है एसिड सिक्रीशंस के कारण, वो ज़्यादा मात्रा में निर्मित होने के कारण वहाँ पे जलन होगी। तो ये लक्षण जो होता है परिदाह, परि मतलब सर्वत्र, दाह होता है पूरे शरीर में, दाह होता है उसको कहा जाता है परिदाह। उसके बाद इसी श्लोक में बताया गया है प्रकोप, कफ प्रकोप के लक्षण। तो कफ प्रकोप के लक्षण क्या बताया गया है, प्रकोप में दो लक्षण बताए गए हैं। एक बताया है अन्नद्वेष, अन्नद्वेष का मतलब होता है आहार लेने की इच्छा न होना, जी मचलाना। तो जी मचलाना इसके पहले भी हमने देखा है कफ की वृद्धि में, वहाँ पे क्या होता है नौशिया क्रिएट हो जाता है। यही लक्षण यहाँ पे होता है क्योंकि यहाँ पे कफ बढ़ चुका है, कफ बढ़ने के बाद वो अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थानों में प्रवेशित होने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे अन्न द्वेष होगा क्योंकि शरीर में जहाँ जो उसका कार्य होता है क्लेदक कफ जो होता है आमाशय, उसका कार्य होता है कि वो पाचक रस के साथ सम्मिलित होकर आहार का पाचन करे। अब उसकी मात्रा बढ़ गई है, क्लेदक कफ की मात्रा बढ़ गई है, तो वो जो पाचक रस बना है उसमें सम्मिलित होगा, तो ज़्यादा मात्रा में क्लेदक कफ होने के कारण पाचक जो होता है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और पाचक की मात्रा कम है तो वहाँ पे अग्नि बुभुक्षित होने की जगह अग्नि जो होती है बुझ जाएगी। जैसे अगर हमने चूल्हे में हवा फूकी तो उसकी वजह से आग लगती है, ज़्यादा मात्रा में हवा कर दी तो वो बुझ जाएगी, उस प्रकार की यहाँ पे टेंडेंसी होती है। क्लेदक कफ ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, क्लेदक कफ ज़्यादा मात्रा में बढ़ने के कारण वो पाचन का कार्य नहीं कर देता, उल्टा जो पित्त है उसको शांत कर देता है, और उसके कारण वहाँ पे अग्नि नाश होने के कारण आहार लेने की इच्छा नहीं होती, मंदाग्नि हो जाती है, अग्नि सदन हो जाता है, और उसके वजह और वो जो भी क्रिएशन हुए हैं क्लेदक कफ का और पित्त का सम्मिलित होके, वो बॉडी में नॉर्मल चीज़ नहीं है, तो वो बाहर निकलने की बॉडी की टेंडेंसी रहेगी, तो उस वक्त नौशिया फीलिंग होती है, जी मचलाता है, ताकि ये जो है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाए। उसके बाद जो दूसरा लक्षण बताया गया है वो बताया है हृदय उत्क्लेश, हृदय में उत्क्लेश होता है। तो ऊर स्थान यह कफ स्थान होने के कारण कफ प्रकोप होने से सीने में भारी सा लगता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो कफ का प्रमुख स्थान बताया गया है ऊर प्रदेश बताया गया है, ऊर प्रदेश में रहने वाला जो कफ होता है अवलंबक कफ, जो हृदय को अवलंबित करता है। तो ऊर स्थान में जिस वक्त कफ की मात्रा बढ़ जाती है तो अवलंबक कफ, यहाँ पे तो इतना ही कहा कि कब बढ़ता है, लेकिन मैं स्थान को लेकर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस स्थान में विशेषतः उसकी अधिकता रहती है, उस प्रकार की अधिकता रहती है, और उसी लिए वहाँ पे मुख्यतः उस दोष के अंतर्गत का वो जो पार्ट होता है वो वहाँ पे बढ़ता है। तो वहाँ पे अवलंबक कफ की वृद्धि होगी, उसके कारण क्या होगा, कफ प्रकोप होगा और सीने में भारी सा लगने लगता है। भारी सा लगने में लगता है इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे स्निग्धता, शीतता और जल की मात्रा बढ़ जाती है, और जो भारी सा लगता है उसी को कहता है हृदय उत्क्लेश। ओके, जो भरी भरी ऐसी फीलिंग होती है हार्ट में, थोड़ा भारी सा फील होता है, उसी को कहता है हृदय उत्क्लेश। तो ये जो हृदय उत्क्लेश होता है ये रिलीवेंट टू अन्नद्वेष है। तो दोनों लक्षण कफ वृद्धि कारण उत्पन्न होते हैं, जी मचलाने लगता है, अन्न का द्वेष होने लगता है, वृद्धि में उत्क्लेश होने लगता है, और फिर नौशिया की फीलिंग होती है। ओके, तो ये कफ प्रकोप के लक्षण है। कफ का जो स्थान होता है उस स्थान में वृद्धि होती है,
संचय के अंतर्गत, और संचय के अंतर्गत जब वृद्धि हो जाती है और प्रकोप जो होता है तो उसको बाहर निकालने की उसकी इच्छा होती है। जैसे हमने पित्त में देखा तो पित्त में क्या चय लक्षण क्या बताया गया, तो पित्त आव भासता, तो शरीर में पित्त भ्रमित होगा चला जाएगा, तो जहाँ जहाँ पर हो जाएगा वहाँ वहाँ पर शरीर में जलन पैदा करेगा और पित्त वर्ण देगा, उसका पित्त वर्ण देगा। उसी पे प्रकार मंदोष्मता गौरव और आलस्य ये चय लक्षण बताए गए थे, ये लक्षण शरीर में उत्पन्न हो गए। मंदोष्मा हो गई उसके उसके वजह से अन्न द्वेष होने लगा, उसके बाद गौरव होगा जो गौरव का लक्षण हमें हृदय उत्कलेश के रूप में दिखाई देता है, और शरीर में भारी सा फील होगा, आलस्य क्रिएट होगा। तो ये अपने स्थान पे क्रिएट हो गया संचय में, जबकि प्रकोप में वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में चला गया। जब अपने अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में जाता है तो वहाँ पे भी वो विकृति की उत्पत्ति करता है। ओके, तो ये था षटक्रियाकाल की अंतर्गत दो नंबर का की स्टेप, संचय और उसके बाद प्रकोप, और उसके बाद की जो है प्रसर, यहाँ पे प्रशमन नहीं होता है। संचय, प्रकोप और प्रशमन, ये हमने सामान्य अवस्था में देखा था। अब यहाँ पे व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है तीसरे काल से, प्रसर से। तो प्रसर जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, यानी नेक्स्ट मंडे। और अब तक के जितने भी श्लोक हुए हैं षटक्रियाकाल के, उसके रेफरेंस और उसका उसका मीनिंग मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, गुड डे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो आप ऐप पे ही पूछो या फिर कॉन्टेक्ट करो।